नगर निगम लखनऊ में लगातार जीआईएस सर्वे की शिकायत के बाद लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने हाउस टैक्स को लेकर समाधान दिवस का आयोजन किया। बता दें कि समाधान दिवस हर शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय के द्वितीय तल पर आयोजित होता है। समाधान दिवस में एक ही छत के नीचे टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाधान दिवस में लखनऊ नगर निगम के सभी 8 जोनों के प्रभारी एवं कर अधीक्षक अपनी पूरी टीम के साथ बैठते हैं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। आज 17वीं समाधान दिवस में दोपहर 2 बजे तक कुल 68 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 64 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अब तक लगभग 4200 से ज्यादा की समस्याओं का समाधान किया गया है। लखनऊ नगर निगम में जीआईएस सर्वे की शिकायतों को लेकर के लखनऊ नगर निगम में एक शिकायत समाधान दिवस जो हर शुक्रवार को चलाया जाता है, आज 17वां समाधान दिवस है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ नगर निगम के सभी अधिकारी एक ही हॉल के अंदर बैठे होते हैं और जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं टैक्स से लेकर के जो जीआईएस सर्वे से, यहां पर सभी अधिकारी उसका समाधान करते हैं। अगर बात करें समाधान की तो ये 17वां समाधान दिवस है और लखनऊ की जनता इसका बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रही है। आप देख सकते हैं कि अम्बी बिष्ट मैडम, नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि समाधान दिवस के दिन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। बात करेंगे लखनऊ के जो नगर आयुक्त हैं, उनसे बात करेंगे कि सर आज सर जीआईएस सर्वे समाधान दिवस चल रहा है, किस तरीके से सर चल रहा है, चूँकि ये 17वां है, लगभग कितनी शिकायतों का समाधान किया गया और लखनऊ की जनता को किस प्रकार से इसका लाभ मिल रहा है? ये ऐसा है, देखिए जो 15 मई से ये हमने किया था कि टैक्स से रिलेटेड कोई भी इशू है तो हमारे 8 जोनल ऑफिसर और हमारे एएमसी यहीं बैठते हैं हर फ्राइडे को, तो ये 15 मई से चल रहा है। तो इसमें क्या है कि टैक्स रिलेटेड या कोई और भी प्रॉब्लम है तो एक ही फ्लोर के नीचे हम लोग इसको निस्तारण करते हैं। आज जो है 60 के करीब कंप्लेंट्स आई है और उसमें से हम लोग 50 कर भी चुके हैं, कुछ में फील्ड विजिट मस्ती इसलिए किया है। तो अभी क्या है कि जो नंबर पहले आ रहा था वो घटते घटते, जैसे स्टार्टिंग में जब किया था तो फर्स्ट डे 300+ था, तो अब वो 50-60 पे आ गया है, तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे ये है कि मैक्सिमम सहूलत नागरिकों को दी जा सके, टैक्स की प्रक्रिया को सिंप्लीफाई किया जा सके। इसमें कुछ चीज़ें हमारे सदन ने भी पास की, हमारे माननीय पार्षद ने भी, तो सब लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत टैक्स का सिस्टम किया जाए। जैसे टैक्स को लोगों को लाभ मिल रहा है, जीआईएस सर्वे में दिक्कत हुई, लखनऊ की जनता इसका तमाम फायदा उठा रही है जो कि चर्चा का विषय भी है, लोग इससे सहूलियत भी मान रहे हैं, ऐसे तमाम जो नगर निगम की समस्याएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरीके से आदेश हुआ है कि एक क्रमबद्ध योजनाबद्ध तरीके से जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा है उनका अभियान चलाकर खाली करा जाए, हालांकि लगातार ये देखा जा रहा है कि नगर निगम लगातार खाली भी करा रही है, तो ऐसे में क्या कोई इस तरह के भी आने वाले समय में कोई अभियान या कोई इस तरह के समाधान दिवस चलाया जाएगा जो अन्य संबंधित जो रिलेटिव जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका भी कोई कार्य योजना बन रही है, जो ज़्यादा शिकायतें हैं उनका भी इस तरह से चलाया जाएगा आने वाले समय में? नहीं, हम लोग अभी चला रहे हैं, जैसे पब्लिक हियरिंग होती है तो हम सुबह बैठते हैं। दूसरा, फील्ड विजिट मस्ट है, माननीय महापौर जी ने भी कल एक लेटर जारी किया है कि सुबह 6 से 8 नगर निगम का कर्मचारी फील्ड में रहेगा, और जैसे भी संचारी रोग है तो जो भी समस्याएं हैं हम लोग फील्ड में जाके निस्तारण कर रहे हैं, जो हमारे स्तर यहाँ से आ रही है उसका कर रहे हैं मॉनिटरिंग, और आने वाले टाइम में हम जो इससे भी ज़्यादा कई स्कीम या स्टेप्स लेके आ रहे हैं जिससे हम लोग मैक्सिमम सहूलत नागरिकों को दे सकें। फील्ड विजिट की सर आपने बात की, लेकिन आज ही फील्ड विजिट सुबह की बात है, नगर निगम के तमाम कर्मचारी घेराव में आ गए, तमाम उनको वो झेलना पड़ा, क्या है सर उसका पूरा मामला, किस तरीके से दिक्कतें आ रही, चूँकि फोर्स भी थी, पुलिस फोर्स भी थी, उसके बावजूद शंकरपुरवा प्रथम का मामला है ये जोन 7 का, उसमें भी आपके सर संज्ञान में क्या था प्रकरण, किस तरीके से कर्मचारियों को वहाँ सुबह एक मैटर हुआ झेलना पड़ा? अवैध डेयरियाँ जो चल रही है उसको संचारी रोग में हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोबर नालियों में आके उसको ब्लॉक कर देता है। सेकंड, उसमें ये रहता है कि वो सैनिटेशन में बहुत इशू होता है, क्योंकि हम जो कोर एरिया है जो विस्तारित नहीं है, जहां अब डेयरी नहीं ऑपरेट कर सकते वहां पे हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है कि हम लोगों ने उसी पे कार्रवाई की थी, एक शिकायत थी, 12 जो स्ट्री एनिमल या जो अवैध डेयरियाँ थी उसको पकड़ा था हमारे जो उसमें जानवर थे, लोकल कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया है, हमने तहरीर दी है, हमारे एएमसी अभी भी थाने में है, तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, तो सरकारी काम में बाधा डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाए।
निश्चित तौर पर जीआईएस सर्वे का आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ की जनता उसका लाभ ले रही है, और कहीं ना कहीं जो ये 17वां जीआईएस सर्वे था और उसमें लगभग 4000 से ज़्यादा शिकायतों का समाधान किया गया। अगर आज की बात करें तो आज लगभग 60 शिकायतें यहाँ समाधान दिवस में मिली। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, एनवी न्यूज़, लखनऊ।